यूपी के बहुचर्चित मिड डे मील में नमक रोटी खिलाए जाने की तस्वीरों को सामने लाने वाले फ्रीलांसर पत्रकार पवन जायसवाल लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। आर्थिक रूप से कमजोर पवन जायसवाल के इलाज के लिए मां और पत्नी ने अपने जेवर तक बेच दिए थे, लेकिन फिर भी इलाज के दौरान आज सुबह उनकी मौत हो गई। पवन को मदद की दरकार थी, उनके जीवन को बचाया जा सकता था, लेकिन किसी भी तरह की उन्हें सरकारी मदद नहीं मिल सकी। जी हाँ, आपको बता दें कि पवन अगस्त 2019 में उस समय देश विदेश की मीडिया में चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने प्राथमिक स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील में नमक रोटी खिलाए जाने की तस्वीरों को सामने लाकर रख दिया था। तस्वीरों के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने पवन के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसको लेकर देश विदेश की मीडिया में प्रदेश सरकार की आलोचना भी हुई थी। बड़े पत्रकारों के साथ पत्रकार संगठन तक पवन की मदद को लेकर आगे आए थे और मामले की जांच भी हुई थी। आखिरकार पवन यह लड़ाई जीत भी गए थे। पवन की मदद में इस बार बीमारी के वक्त सांसद संजय सिंह और कई पत्रकार संगठन सामने आए थे, लेकिन उनकी मदद पूरी तरीके से नहीं हो पाई। आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह ने 1,00,000 रुपए की सहायता राशि उनके इलाज के लिए दी थी, फिर भी इलाज के दौरान आज वह हम सभी को छोड़कर चले गए। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर अरोरा कस्बे के निवासी करीब 38 वर्षीय पवन जायसवाल फ्रीलांसर के तौर पर अपनी सेवा अलग अलग संस्थानों को दे रहे थे। उनकी गिनती तेज तरार पत्रकारों के रूप में की जाती थी। पवन की माँ भाई के साथ पत्नी और 2 छोटे बच्चे भी हैं। वहीं इस घटना के बाद पत्रकार संगठनों ने शोक संवेदना पवन और पवन के परिवार के साथ व्यक्त की है।